तणी विहोणा पाट पटंबर पाही सेती जाले तूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले तनी विखोणा पाठ पटंबर पाही सेती जाले तूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज हजूर दी मुबारक रसना तो उचारण किते हुए सलोक जो वारा ते वधीक दे सरलेख हेठ दर्ज ने, पहला सलोक रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न जिनी संजाता साई झाड़ झाड़ पवंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। इस दी विचार आपां कल जितनी को मालक ने सोझी बख्शी आप संगत नाल सांझी कीते, आओ उसे लड़ी नूं और इस तो अगला जो सलोक है सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दा, जिस दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है, इस नूं अज आपां विचार सकीए। साध संगत असीस बख्शो, सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज आप बख्शिश वरताओ, आप विच वरत के सतगुरु अंदर दा टिका बख्श के कृपा करके विचार करा लवो। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु जी दे अमृत शलोक विच्चों पहला पवित्र अमृत बचन रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न जिन्नी संजाता साई, जिन्ना ने पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी नाल पहचान कर ली, ओ परमात्मा दे रंग विच रत्ते गए ते परमेश्वर दे रंग विच रत्ते हुए कदी भी अपने मालक वल्लों अपना मूँह नहीं मोड़दे। कल अर्थ आप जी दे सन्मुख कीते सन कि रत्ते हुए दा लक्षण एक है, अनेकां जिंदगी विच एक कुछ वापरदा है
अनेक तरह का जिथे कई बारी प्यारे दे प्रति भी बंदे दे अंदर फुरने उपज जाते ने कि ये क्यों मेरे नाल हो रहा है। पर महाराज कहिंदे रत्ते हुए जेड़े ने दरअसल उस परमात्मा वल्लों कदी मूँह नहीं मोड़दे, उसकी मानसिक तौर पर शरीरक तौर पर संसारक तौर पर जिन्हों ठोकर कह लीए सट कह लीए ठुड्डा शब्द वरत लीए उन्हों भी जर के वो सिमरन विच ही टिके रहिंदे। जिवें गुरु साहब की बाणी च असी गुरु नानक साहब जी की अष्टपदी पढ़ने जी श्री राग विच, उस अमृत बचन विच रहाओ दियां तुकां ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, ऐ मेरे मना प्रभु प्यार तो बिना तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। उस भी जेड़ी पहली उदाहरण हजूर ने दिती उस सचमुच ये अर्थां लई रत्ते सही जे मुख ना मुड़न जिनी संझाता साईं। उस विच गुरदेव ने जेड़ी उदाहरण दिती आप सब नू पाठ करन वालियां नू पता है, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ा स्पष्ट है जी, जे प्रीत दी गल चलेगी बारमुखी कुछ जीवां दियां उदाहरण जां बनास्पति दी उदाहरण वह हजूर बाणी च लैणगे। जिवें असी भवरा ते कमल दा फुल, चकोर ते चंद्रमा, कोयल ते अंब, दीवा ते पतंगा, मिठा ते कीड़ी, इस तरह दियां उदाहरण महाराज वार वार देणगे बाणी च। पर इत्थे सतगुरु ने जिहड़ा बचन कीता कि मुख ना मुड़न समझन दे लई कि कमल दा फुल पानी विच है, ते गुरु साहिब जी बचन करदे आ हवा करके पानी विच लहरां पैदा हुंदियां ने। आप जी देखोगे कमल दे फुल दी एक खासियत ए वे कि जितनी बहुतात विच पानी वध जाए, जे 5 फुट पानी है ते तां वी कमल दा फुल उच्चा, ते जे ओ 15 फुट हो जाएगा कमल दा फुल फिर भी उच्चा ही रहेगा। ये पिछले दिन अर्ज मैं कीती सी। उस दी एक खासियत ए वे कि पानी भी जदो लहरां उठदियां ने ते कमल दे फुल दी नाल नू ओ लहरां टकरांदियां ने, कदी ओ खब्बे नू कदी सज्जे नू, पानी दियां लहरां जिहड़ियां ने ओ फुल नू ओहदे थां तों खुला हला दिंदियां ने। पर महाराज कहिंदे ने उस फुल नू जे पुछिए तेरी सुगंधी तेरी कोमलता तेरी निरलेपता इन्ने तेरे कोल गुण ने, पर इस पानी दे ठुड्डे क्यों खा रहा है, आखिर तेरी अपनी होंद है, फिर तू पानी दे ठुड्डे ठोकरां दी की लोड़। वो कहिंदा है समझण लई महाराज इसमें तां ही कहा भी उदाहरणां जिन्नियां भी ने ना जी ये समझाण वास्ते ने। फिर सतगुरु बचन करदे आ कि कमल दा फुल इन्नी सट खाण दे बावजूद भी कदी पानी दे प्रति अपने अंदर एक ख्याल भी नहीं पैदा होण दिंदा कि मैनू इन्ने रोज़ ठुड्डे मारद। वो कहिंदा तां की होया जिन्नियां लहरां मैनू ठोकरां मारदियां ने पानी मैनू उन्ना जीवन बख्शदा है, ते जिन्ने जीवन बख्शिया मैं इहदी लहर ठोकर खा के भी खड़ा विच ही रहिंदा। महाराज जी दे अमृत बचन ने रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए मुख ना मुड़न। लहरी नाल पछाड़िए पी विगसै असने, उस कमल दे फुल नू लहरां पावे पछाड़ भी देन ठोकरां भी मार देन, सच एवे ओदी मुहब्बत अपने पानी तो रंचक मात्र कदी घटदी नहीं। बिनती करा महाराज उत्थे को उदाहरण दे रहे आ कमल दा फुल अते उस दे पानी दी। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच असी बाबा फरीद साहिब दे बचन ने, मैं पिछले श्लोक तो शुरू कर रहे कि रत्ते सही जे मुख ना मुड़न जिनी संझाता साईं, उन्हां दा अमृत बचन है कि प्रेम च रत्ते होए कदी अपनी जिंदगी दे नेम भी टुटन नहीं देंदे। डिगे खून ठठे खून
बीमार होण, जो मर्जी होवे, भावें वह मंजे ते लेटिया फिर भी वह यतन करदा है कि मेरे प्यारे नाल बनया होया मेरा नेम ना कदी टुट जाए। असल च इहदा अर्थ कल्ला बाहर मुखी नहीं करना कि वह मूँह नहीं परां करदे, इहदे अंतरीव अर्थ ने कि वह अपने प्यारे तो कदी भी मूँह पिछा करन दा कदी भी उन्हां दी मुहब्बत विच राई दे दाने जिन्ने भी कदी विथ नहीं पैंदे। बाबा साहिब दा शलोक आप सब नूं चेते है, उस शलोक दे विच दास ने एक बार अर्ज कीती सी कि फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे निह, गलियां विच चिक्कड़ है प्यारे नाल मुहब्बत है। एक तो चलो अर्थ ये करते आप कि बाहर मुखी धरातल ते मीह पै के हटिया ते पानी है, पानी करके मिट्टी का चिक्कड़ बन गया, चलन का यतन करते ने ते चिक्कड़ अपने वल खिंचदा है, अर्थ पहले ही ने। बाहर मुखी अर्थ यही करांगे जी, गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे नेह, चला तो भिजा भिजै कंबली राह तो टुटै नेह, भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेह, जाए मिला तिन सजना टुटो नाही नेह। हुण पहले अर्थ ये ने कि बाहर गलियां च चिक्कड़ है, प्यारे नूं मिलन चलिया वो चिक्कड़ मैनू अपने वल खिंचदा है, तो हुण जे मैं रुक जाना चिक्कड़ की पकड़ करके, मेरी बेनती सुनियो जेडे अर्थ आप अज करने ने रत्ते सही दे मुख ना मुड़ा, जे वो रुक जाना तो मेरा प्यार टुटदा है, जे चलना तो मैनू चिक्कड़ नहीं चलन देंदा। अगो वचन करते ने रब्बा तू आप ही तो मीह वरसाण वाला है, जिन्ना मर्जी मीह वरस जाए गलियां च चिक्कड़ हो जाए, मेरी कंबली भी भावें भिज जाए, जिन्नी देर तक सवास ने मैं चिक्कड़ गली कंबली मीह किसी की परवाह नहीं करांगा, मैं तेरे दर ते जरूर आवांगा। चलो ये बार मुखी अर्थ हो गए। देखो ये पिछले दिनी थोड़े जे मैं टच किए सन दे अर्थ, गुरबाणी च बड़े शब्द ऐसे ने जी जिन्हां दे अखरी अर्थ लाजमी ने, पर अखरी अर्थां तो अगे उन्हां दे होर गूढ़े अर्थ ने। एक बार भाई साहब की रचना में इस तरह विशा नहीं हो, एक बचन है अकिरत कण बारे, मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मास, धरिया मानस खोपड़ी तिस मंदी वास, रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन ताश, ढक लै चली चूड़ी कर भोग बिलास, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, नदरी पवे अकिरत कण मन मत होए विनाश। आप पौड़ी नाल बोली, आपनू पता है कई संगता विचों। हुण थोड़े जे अर्थ दी बेनती, पर दूजी गल फिर जिन्ने अर्थ आपां करांगे, गुरमुखो किसी अर्थ विच दावा नहीं। अज भी दुपहरे मैं कहा सी संगत विच, ये ना सोचो भी आपां टीवी ते कथा करने हैं, जो मशहूरी शब्द वरत्या जांदा है, ज्ञान दा संबंध प्रसिद्धता नाल नहीं हुंदा, ज्ञान दा संबंध अंदर दी निर्मलता ही ते टुकी हुई सुरत नाल हुंदा है। जे कही भी बिन इहनू बड़ा ज्ञान नहीं, नहीं ये भै तो महा अदब वखरा है। हुण इहदे अर्थ ये ने कि अकिरत कण बंदे की नज़र किन्नी भैड़ी है, उस विचों शब्द वरदे आ। मद का अर्थ शराब, शराब विच कुत्ते दा मास रिन्या, पंजाबी दियां सतरां मद विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मास, धरिया मानस खोपड़ी तिस मंदी वास, खोपड़ी का भांडा बना के उहदे च कुत्ते दा मास रिन्न के पा दिता, तो गंदी बदबू उहदे च आउंदी है। रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन ताश, खून नाल भिजे हुए कपड़े नाल खोपड़ी ढक दिती, ढक लै चली चूड़ी, चूड़ी शब्द आप समझदे हो, पर इहदे मैं अर्थ बेनती करांगा जात नाल संबंध, ढक लै चली चूड़ी कर भोग बिलास, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, किसे पुछया भी ये की ढक के लिजा रही है, कहन लगी कि नदरी पवै अकिरत कण मत होए विनाश। पहली गल, शराब विच कोई चीज़ रिझ ही नहीं सकती, शराब पेट्रोल की तरह अग मचती है। जे बाहर मुखी के तर्क है जी शराब विच किवें रिन लोगे, इत्थे ते सच है वे घिओ तेल लोग तड़का लाउण ते उच्चों अग मचती है। मैं पाठ दा बड़ी वारी किया, सतगुरु ने जिन्ना को तरस किया कौमे च नहीं, मैनू इंज प्रतीत होया
ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬਿੰਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਂਗੇ? ਅੱਗ ਮੱਚੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਅੱਗ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤਰੀਵ ਕਰੀਏ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਮੱਧ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਹਿ ਮੱਧ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਧ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੈ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਛਾਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਬੜੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੋਲੇਗੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਰੱਜੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਭ ਹੈ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿ ਮੱਧ ਮੈਂ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ। ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੁਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ, ਗੰਦੀ ਬੋ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨੇ। ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਿਝਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਉਂਝ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨਕਿਓ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਟੱਕਿਆ, ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਢੱਕੀ ਬੈਠੀ, ਇਹਦੇ ਚੰਮ 'ਤੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਮਿੱਝ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਚੂੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਰਥ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਚੰਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਚਨ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਇਹਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਭ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਭ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੂੜੀ, ਚੂੜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੰਮ ਭੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
मल सिर ते चुकन वाली नूं चूड़ी नहीं कहा, जिहड़ा सारी दुनिया की रज के निंदिया करता है अपनी जीव नाल लोकां दी मैल साफ करदा उहनूं चूड़ी कहा है। को बुद्ध डोमणी कदया कसैन पर निंदा घट, चूड़िया ढक लै चली चूड़ी, सारे गंदे औगण उहदे विच ने, ढक लै चली चूड़ी। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरत्या कर भोग विलास, ओह चूड़ी जिसने निंदिया नूं भोगिया है। हुण इहदा मतलब सुणियो कि हंकार दा नशा माड़ा, दौलत दा नशा माड़ा, विद्या दा नशा माड़ा, सच एवे हर प्रकार दा जिहड़ा नशा है खौमे दा ओह अत दा माड़ा। ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने ओह बंदा जिहदी खोपड़ी विच हंकार, जिहदी खोपड़ी दे अंदर पैसे दा दौलत दा मत विच रिद्धा पाए, कै कुत्ते दा मास जिहदे अंदर लालच है, जिहड़ा खून नाल ढकिया पराया हक खांदिया, जिस अंदर निंदिया की बिरती है। सतगुरु सारी गल भाई गुरदास साहिब कहिंदे आ ये सारे औगण बड़े भैड़े आ, जिस अंदर ये औगण ने वह नीच बिरती वाला है, पामर है, वह सनात है। पर कहिंदे चेते रखियो अकिरत कण इन्हां तो भी माड़ा है, अकिरत कण इदो ही माड़ा है। किड्डा वेखो शब्द भाई साहिब ने किड्डा रहस पाया जी इहदे विच, मध विच रिद्धा पाए कै कुत्ते दा मास धरिया, मानस खोपड़ी तिस मंदी वास, ढक लै चली चूड़ी कर रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन तास, ढक लै चली चूड़ी कर भोग विलास। फिर अगो इको गल की आखशनाए पुछया लाहे विश्वास, वो कहिंदे नदरी पवै अकिरत कण मत होए विनाश, इन्ने बंदे भैड़े होण ते अकिरत कण की नज़र उदू भी माड़ी है। जिहड़ी बेनती मेरा विशा नहीं सी, हुण देखो अजे मेरे मन च एक दे नहीं होया सी जिहड़ा शब्द पढ़ने नैनो नीर भय बह तन खीना, भय केस दुदवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करें पुरानी मेरे राम राहे, हो है वैद बनवारी अपने संतां लिओ उबारी। अर्थ सारे बुढ़ेपे दे करने आ, राहो दियां तुकां विच एक संत जन दी पुकार है। नैणा दा नीर कदे बैराग ते नहीं, किते अंदर ओ दर्द ते नहीं, करक कलेजे माहे। ए शब्द नूं वाचन वाला है कि अखीर ते इस विच वी आपां नूं कुछ बहुत कुछ मिलेगा। खैर अपने विषय ते आवां कि रत्ते सही जे मुख ना मुड़न गलिए चिक्कड़ दूर कर। गलियां दा चिक्कड़ अर्थ ए ने, पर गुरमुखो ये भी तो एक पिंड है ना, जिनी साड़ी बॉडी है, बाणी ने इनू पिंड भी मन्या, इनू नगर भी मन्या, इनू शहर भी मन्या, सारा मन्या। काया नगर एक बालक बसिया, गलियां नगर विच हुंदियां ने, मारे नगर क्या है, देही गावा जियो तर महत महतो, उत्थे बॉडी नू गांव क्या है, गांव विच भी गलियां ते नालियां हुंदियां ने। महाराज कहिंदे आ कि गलीए चिक्कड़ दूर कर, आ जिन्नियां गलियां ने इन्हां विच चिक्कड़ भरिया पिया है, ते चिक्कड़ दा कम है चलदे खोए नूं अपने वल खिंचना। आ गलियां अखां ने, कन्न है, नासका है, मूँह है, जनन इंद्री है, मल द्वार है। गुरु साहिब कहिंदे ने इन्हां इंद्रियां विच विषय जिहड़े भोगे गए वह चिक्कड़ बन चुके ने, भोगिया नूं बहुत समा हो गया, अखां ने कुछ देखिया, कन्नां ने सुनिया, नक ने समैल ली, पर जदों सिमरन कर लगा वह चिक्कड़ फिर मीह पैंदा ते मेरे सुरत दियां पैरां नूं घुट के अपने वल खिंचदा है। यह भी गलियां ने, बाहर दी गली दा तां इन्ना दुख ही नहीं जी, हुण ते गड्डियां लोकां कोल, अंदर वाली गली रत्ते सही जे मुख ना मुड़न गलीए चिक्कड़ दूर कल नाल प्यारे निह। महाराज कहिंदे आ ये गलियां ने, इस वेखो बाणी चाह पाठ करोगे इन्हां नूं ये भी गया, ये राह ने जिन्हां विचों बाहरों चोर पैंदे आ। एक बचन आउंदा महाराज दा कि संतो मन पवनै सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, गुरद खलाई मोरी, मोरी नहीं मोरी। ये रस्ते गलियां दस दित्तियां, कहन लगे तेरा मन तां नहीं टिकदा। सुनियो भावां के पहला ये शब्द यही है, संतो मन पवन है सुख बनिया, क्योंकि पवन चंचल कै पवन ने टिकना नहीं। सच ए वे मेरा मन जेड़ा पवन की तरह जेड़ा बिल्कुल नहीं सी टिकदा, पवन कदी रुक सकती है जी,
पवन रुकेगी तो जिंदगी खत्म। महाराज कहते हैं पवन वर्गा चंचन मन मेरे गुरु ने टिका दिता है, हुण हुण नहीं दौड़ता। संतो मन पवन है सिख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, अगे बचनी गुर दिखलाई मोरी, जित मर मिर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले आनंद बाजे। उत्थे भी सुराग गया। मैं इस बेनती करांगा जी, बाबा साहब सच्ची मुची ये कह रहा कि भाई सज्जनों जदों नमाज भी जाना, अल्लाह दे विरद भी जाना, अल्लाह दे जिक्र भी जाना, रब नू दे चिंतन भी जाना, मेरिया गलिया च जेड़ा पिया फुरनिया दा चिक्कड़ है, जेड़ा मन भेजदा, मन ही कीता ना सब कुछ, वह चिक्कड़ मैनू अगे तुर नहीं दिंदा पिया। उंज बाबा फरीद साहब, अर्ज करा इबादत दा शिखर सानो, बाबा फरीद साहब एक उदाहरण मैं उन्होंने जीवन की आप जी नूं देनी चाहना। वैसे ये चार फारसी दियां सत्रां ने, मैं इको आप नूं सांझी करनी। बाबा फरीद साहब दे जिहड़े मुरशद सन, गुरु शब्द वरतो, उह सन ख्वाजा बख्तियार काकी जी। इन्हां दे जिहड़े अगे मुरीद सन, इन्हां दे गद्दी नशीन जिहड़े होए, उन्हां नूं असीं हज़रत निजामुद्दीन औलिया कहिंदे आ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਿਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਨ। ਆਲਿਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲ ਸ਼ਬਦ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਆਲਿਮ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਜ਼ਲ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਆਲਮ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਜਰੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 'ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਾ ਬੁੜਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖੁਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ ਜ਼ੇ ਬਰਾਏ ਤੂੰ ਜ਼ੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਰੀਦ ਮਰੇ, ਇਹ ਮਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਏਡਾ ਅਣਖੀ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੈਲਾਉਣੀ। ਬਾਰ ਪਰ ਆਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋ ਲੈ, ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ ਜ਼ੇ ਬਰਾਏ ਤੂੰ ਜ਼ੀਅਮ, ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਨਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਮੋੜਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ
चंगे नाम जपण वालिया ने उदाहरणां दित्तियां, रत्ते कोई मुख नहीं मोड़दे। एक गल कह के अगले श्लोक ते आपां चलने आ विचार लई। इच्छा बल दा मैं जिक्र एक दिन कीता सी, कश्मीर दी धरती देख कश्मीरी लोग भावें अच्छा बल कहिंदे आ, असी शब्द ये पानी दा चश्मा भी कहिंदे आ, और कश्मीरी विच जिहड़ा नाग शब्द है उहनूं चश्मा ही कहिंदे आ, जिवें अनंत नाग कुकर नाग जिहड़े उत्थे नाग दा लफ्ज़ी अर्थ भी है कि जमीन पाट के जिहड़ा पानी चलदा है, झरना नहीं चश्मा, आबशार नहीं चश्मा। भाई साहब भाई वीर सिंह हुणी तकरीबन हर साल कश्मीर जांदे सन ते उन्हां बहुत कुछ कश्मीर लिखिया बैठ के। प्रिंसीपल सतबीर सिंह दियां तुसीं रचनावां पढ़ो, उहदे विच उह कई वारी पहलगाम दा बहुत जिक्र करदे आ, उत्थे एकांत विच बैठ के बहुत सोहणा उत्थों दा दृश्य है जी। दास नूं मौका मिलिया मन सी भी भाई साहब गंधक दे चश्मे दी गल, इच्छा बल दी गल, अनंत नाग दी गल, इच्छा बल असी गए रात ठहरे खट च, ते बड़ी तेज आवाज़ साढ़े कन्नां च पानी दी पैंदी सी। सवेरे गए मैनूं भाई साहब दी उह गल याद आ गई, उह प्रश्नोत्तरी है। भाई साहब लिख दिए, सांझ होई परछावें छिप गए, क्यों इच्छा बल तूं जारी। उन्हां ने इच्छा ही लिखी है जो पाठां विच आउंदा है। शाम पै गई, रात भी असीं पहुँचे, बड़ी तेज़ आवाज़ आई जी सुत्तियां रात नूं। मैनूं इंज लगा भाई साहब वो जिवें उन्हां दी ख्याल ही सन, सांझ कोई परछावें छिप गए क्यों इच्छा बल तू जारी, नए सरोत कर रही गए उमें ते टुरनो भी नहीं खारी, सहलानी ते पंची सारे सब आराम विच आए, सहम सवादला छा गया सारे कुदरत टिक गई सारी। एक क्वेश्चन सी, हुण फिर अर्ज है कि खुशक बंदे नूं शायर दा पता नहीं हुंदा, उह तर्क करदा ते बाणी च। मैं इत्थे एक बार कहा सी, असी किन्नी वारी कोयल बोलदी कूकदी सुणने आ, पर साडे नाल गल्लां नहीं कोयल करदी, फरीद नाल ते कर गई। काली कोयल तो कितगुन काली, उह कहिंदे ने अपने प्रीतम के खों बिर हैं जाली। शायर गल कर रहे, पब्बर तो हरियावला गुरु नानक साहब सरोवर नाल गल्लां कर रहे, कबला कंचन वन कहे दो खड़े सड़ियोंगे, काली होई आ द्योरी नानक मैं तन भंग, जाना ये सरोवर कह रहे, जाना पानी ना लहा जे सेती मेरा संग, जित डिठे तन पर फड़े चढ़े चवगन वन। सतगुरु सच्चे पातशाह दा वो सिख, चलो जिहदी रचना अज भी खिरदिया नूं टुंबदी है, वह कहिंदे ने सब कुछ टिक गया, पंछी टिक गए, यात्री टिक गए, सूरज टिक गया, कुदरत टिक गई सारी। अगो इच्छा बल कहिंदा सीने खिच जिन्हां ने खाधी, रत्ते सही जे मुख ना मुड़ा। ये अच्छा बल का उत्तर है। पहलियां सत्रा बहुत घट सुनाईया जांदियां ने, सिर्फ सीधी के सीने खिचे पहलियां सत्रा ने कि सहम सवादला छा गया सारे कुदरत टिक गई सारी। इच्छा बल कहिंदा सीने खिच जिन्हां ने खाधी, वह कर आराम नहीं बहिंदे, नेह वाले नैणा की नींदर वो दिने रात पै बहिंदे, मुख ना मुड़न। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत राम दमोदर माधव है, जब भावें बीमार है भावें तंदुरुस्त है, सीने खिच जिन्ना ने खाधी पानी का चश्मा, वह समझाने लिए वो कर आराम नहीं बहिंदे, न्यों वाले नैणा की नींदर दिने रात पै बहिंदे, इको लगन लगी ले जांदी है टोर अनंत उन्हां दी, वसलों उरे मुकाम ना कोई सो चाल पै नितरेंदे। वसल दा अर्थ मिला, मैं अर्ज करांगा, पहले बचन विच सतगुरु जी ने क्या फरमाया कि रत्ते शेई ओही रत्ते होए ने जे मुख ना मुड़न, जेडे अपने महबूब तो मूँह नहीं मोड़दे, जिनी संजाता साई जिन्हां ने अपने साई दे नाल पहचान कर ली संजान लिया, चढ़ चढ़ पवंदे चढ़ चढ़ के राज डिग पे कौन, कच्चे बिरखी कच्चे प्रेमी जिन्हां नूं समझ नहीं सी, प्रेम नहीं सी, दिलों मुहब्बत नहीं सी, सिर्फ खावे दा प्यार सी, उन्हूं इयों कह लो कच्चे प्रेमी। बाणी च इक बचन आउंदा कड़छियां फेरन सवाओ ना जानन सुनिया, कच्चे प्रेमी सही मुख दिसन नानक रत्ते प्रेम रस। उत्थे भी शब्द रत्ते है, आपां किचन विच जां अपनी रसोई च कड़छी किन्नी फेरने, आप जी सलूणा बनाओ
सलूणा शब्द बजुर्गों नूं पता है, इत्थों दे न्याणियां नूं नहीं पता लगना। तो मैं तुहानूं एक बेनती करना हूं, वेखसो भाग आपो अपने ने, यह बड़ा स्पष्ट जे तुसीं अपने खून चो जन्म दिता, तुसीं यतन करोगे तलीम दिओ, तुसीं अपने फर्ज अदा करोगे। जरूरी नहीं कि हर थां ते तुहाडा बच्चा तुहाडी हर गल नूं स्वीकार लवे, यह रब दे रंग ने। पर जे असीं घर च एक हफ्ते विच बीबीओ भैणो तुहानूं एक बेनती है वीरो, जिन्हां दे घरां च बजुर्ग ने ते बजुर्ग बच्चियां नाल ने ना, उन्हां दी स्कूलिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। ओ शब्द पंजाबी ते जे सानूं चाह चढ़िया रहा, तुसीं जिहड़े पंजाब तो आए हो 30-30 साल हो गए, तुसीं कदी कागज़ दी कापी लै के कागज़ ते अपनी वकैबलरी लिखियो, साडी पंजाबी दी वकैबलरी किन्नी रह गई, भुल गए हाँ, ते न्याणियां दी किन्नी कोई रह जाएगी। मैं फिर बेनती करा, जे एक हफ्ते विच दो शब्द भी नवे सीखो तो साल विच किन्ने शब्द हो जाते, 400-500 वकैबलरी बड़ी वड्डी हुंदी। इन्ने शब्दों ते बंदे आ सलूणा शब्द पहला वरदे सन घरां च, अलूणा भी हुंदा सी इक सलूणा भी हुंदा सी, अलूणेदार सी ऐड़ा गेतर लगा सी जिहदे चो नमक नहीं, ते सलूणे दा अर्थ सी लूण सहित है जिहड़ा। हुण असीं जदों सलूणा जां कोई चीज़ बनाओ हाथ ते नहीं मारदे ना, कड़छी मारने आ, वह कड़छी जदों मारदे हो तुसीं उहदा मूँह घस जांदा कड़छी दा कोई सालां तों बाद। मेरा ख्याल एक कड़छी 10 साल लगातार फिर फिर के उहदा मूँह घस जाए, तो उस कड़छी नूं पुछ के देखो तू इन्ना कुछ किचन च तैयार किया, रसोई च चौंके च बनाया, स्वाद की हो गया सी। वह कहिंदी मैनूं स्वाद दा कोई नहीं पता, मैं तां बनाउण वाला सां, स्वाद ते कोई होर लै गया। गुरु साहिब कहिंदे आ जिहड़े कच्चे ने वह कड़छी, सच्ची अपनी गल करां, असीं स्टेजां ते तुहाडे लई भोजन परोसने आ, सुन वाले किते दे किते पहुँच जांदे आ, सानूं रस ही कोई नहीं आउंदा। सच ना भाई, सिर्फ झूठ नहीं हैगा इस, उत्थे कड़छी घूमदी है पर उहनूं स्वाद दा पता नहीं। कड़छियां फिरन सवा उहनां जानण सुंजियां, ਉਹ ਸੱਖਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਮੁੱਖ ਦਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹੀ ਮੁੱਖ ਦਸਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੜ ਝੜ ਪੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ, ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠੇ ਕਰੀਏ, ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਝੜ ਝੜ ਪੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ, ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਠ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਧਣੀ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਧਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧਨੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨਵਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧਨੀ। ਇੱਥੇ ਧਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਸਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਗੂਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਧਣੀ ਵਿਗੂਣਾ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ, ਪਟੰਬਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੱਪੜਾ, ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਪੱਟ ਤੋਂ, ਪੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਰੇਸ਼ਮ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਧਣੀ ਵਿਗੂਣਾ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ, ਭਾਹੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਭਾਹੀ, ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗ, ਛੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਰੀ ਅੱਲੀ ਧਣੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੁੜੰਦੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੁੜੰਦੜੀ ਡੱਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਡਾੜੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ,
ਉੱਥੇ ੜਾੜਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ। ਇੱਥੇ ਡੱਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਣੀ ਵਿਕੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੁਡੰਦੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੇਟਦੀ ਹੋਈ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਲੁਡੰਦੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਟਦੀ ਹੋਈ, ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ, ਲੇਟਦੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁੜੰਦੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁੜਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੁੜਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ੜਾੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਡਾ ਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਸੋਹਾਂ ਦਾ ਲਫਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸਹਿ ਨਾ ਲੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਧੂੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਏ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੋ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਣਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲਮਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰੇ ਕੇਸ਼ ਪੌਲ ਬਿਨਾਂ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਕੌਣੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁੱਝ ਕੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁੱਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵਿੜਹੰਸ 'ਚ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ ਜੇਵੜਾ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਟੋ ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਮਨਿਆਰ, ਹਾਂ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ, ਵਣਜਾਰਾ ਆਇਆ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਛਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਛਣਕਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸੜ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਸਮ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਦੀ ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ, ਨਾ ਆ ਮਨਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਕੰਠਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਬਾੜੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ,
जिहड़ियां बाहां परमात्मा नूं मिलिए नहीं, जिहड़ा सुरत करके उहदे वसल नूं कदी माणे नहीं, चूड़ियां लोकां नूं छनकार नाल पता लग जाएगा सुहागण कहें, पर की चूड़ियां करनगियां। बाहर दा भेख धर्म दा कह देगा। याद रखियो, इत्थे वड्डी वड्डे अवतारी पुरश भी भेख विच आ के भुलेखा खा गए। सीता जी नूं सारे हिंदू जय सिया राम कहिंदे आ। जदों रावण भेख करके आया बेचारी, वह भी भुलेखे च एक भगवियां कपड़िया के भरोसा करके हरन हो गई। इस तरह है ना जी। मैं इस करके अर्ज की जी, देखो वो शब्द वरते हैं, ये जरा पाठ पटंबर है, कपड़े अर्थ कर दिते सी। महाराज शब्द वरत रहे हैं कि भाई सज्जनों, ना मनियार न चूड़ियाँ ना से वंगड़ियाँ, जोश है कंठ न लगियाँ जलन से बाड़ियाँ। वो बाहवा सड़ क्यों ना गई। फिर बेनती है, कामन तौ शिंगार कर जा पहला कंत मनाए। गुरमुखो शिंगार है। वाहगुरु जी अमृत छकना, भाई साहब ने अनाउंस किया, जिन्ना नहीं छकिया अमृत छको, गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा है। ये नाम दृढ़ कराते ने पंज प्यारे, जिन्ना की महानता है। पर जदों अंदरों जीवन गवा जाए उदो चिन्ह शक के घेरे में लोग लै आते हैं। पर जे शक दे घेरे च भी आ जाए फिर भी चिन्ह मरदा नहीं, वह अपनी हस्ती कायम रखता है। गुरु साहब शब्द वरत रहे हैं कि देखो कि कामन तौ शिंगार कर जा पहला कंत मनाए, मत सेजै कंत ना आवई, इवें बिरथा जाए सड़ जाएगा सब कुछ, खसम ही घर ना आया था। सखी कौ काजल हार तंबोल सब है कि साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवै कंत ता सब कि छपाई है। धनी लिखोना पाठ पटंबर पाही सेती जाले। जे खसम घर च आ गया ये सोलह शिंगार भी स्वीकार ने। गुरु साहब बख्शिश कर रहे हैं कि यह सिर्फ मैं फिर बेनती करा, ये उदाहरण ता दित्तियां गई बंदे नूं समझ पै जाए। जे घर आवै कंत ता सब कि छपाई है, हर हां कंत है बा शिंगार सब बिरथा जाइए। जिमें ओ शिंगार व्यर्थ है, इन बिन इसे तरह गुरु के प्यारियो हकीकत एवे कि पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम तुन बिना बाहर दा भेख भी व्यर्थ है। एक तो सीधे जे अर्थ ये ने। उंज देखो आप बाणी जो पाठ कम पिछले दिन क्या गुरु नानक साहब ने चिन्हों का बड़ा जिक्र किया है जी। कबीर साहब ने किया, रविदास साहब ने बहुत घट किया। जे मान लो मैं एक पाठ करना, चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाए, चौकड़ दर ते चार कौडियां जी, दुकान ते गए सूत्र मिल गया चार कौडियां दा, चौंके च आ के ब्राह्मण ने सलोक पढ़िया ते कान च पा दिता, सलोक पढ़ के चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया। सौखा है ना। ते महाराज फिर बाणी च कहिंदे हिंदू कह कर हिंदू आवै, चिन्ह सूत जनेऊ पढ़ गल पावे, सूत पाए करे बुरियाई, नाता धोता थाए ना पाई। फिर अर्ज है कि गुरु साहब इत्थे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि तेरे नाम तो बिना, तेरे सिमरन तो बिना बाहर दा जितना मर्जी मैं अडंबर कर ला कुछ कीमत नहीं रखता, सड़ जाए पर तू नाल होवें, धूड़ी विच लेटदी होवां ते तां वी मेरा शिंगार सब तो चंगा है। जे तू नाल धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहां, नानक तै शै नाले। हजूर सच्चे पातशाह महाराज, एक हुण आओ एक पक्ष असीं होर लैने हैं, क्योंकि अर्थ अखरी मैं उही करांगा। दूजा है कि मन लो सिमरन तो बिना, नाम तो बिना जो कुछ मर्जी दुनिया दा जाए। मैं महाराज दी हजूरी कहिंदा जे दुहाई रब की शौहरत आ जाए, पैसा आ जाए, प्रभुता आ जाए, घर आ जाए, सब कुछ आ जाए, जे वाहगुरु जी की बख्शिश नहीं मिली तो सब कुछ ही जीरो हो जाता है। दुनिया की नज़र च बहुत कुछ है। गुरु साहब का एक बचन होंदा है कि जिमें धनी भी कौना पाठ पटंबर, सिमरन तो बिना इनू अग लग जाती। एक शब्द अज सवेरे दुपहरे मर्ज की, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरु पूछ देखा अवर नाही थां। एक पाठ होंदा है जी गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े करदे आ कुचज्जी, ये बारे मैं उस दिन न्यू वैस्ट बेनती की सी। पहला कुचज्जी आउंदा, फिर सुचज्जी आउंदा, फिर गुणवंती आउंदा। कुचज्जी विच इहदे अर्थ लुके आ।
वो पाठ है सोना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो धनी विखूणा पाठ पटंबर। रूपा का अर्थ चांदी, सोना चांदी मोती कीमते सब कुछ मेरे कोल ने, सोना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो छे वस्तु शह दित्तियां मैं तीन सौ लाया चित जियो। ये वस्तुआं मेरे मालक ने मैनू दित्तियां, पर उत्थे याद रखियो मैं उन्हां वस्तुआं नाल चित ला लिया खसम नूं भुला दिता जिन्हें दित्तियां उधर नहीं। सोना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो से वस्तु शह दित्तियां मैं तीन सौ लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, हर रास मेरी माणवण जा रहा नहीं, मैं लगे कोई पत्थरां नूं अपनी जिंदगी दी पूंजी समझिया। हजूर सच्चे पातशाह जी दे बचन, सोना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो से वस्तु शह दित्तियां मैं तीन सौ लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, हों इन्नी टोली भुली इस तिस कंत ना बैठी पास जियो। धनी विखूणा पाठ पटंबर, उस कंत खसम वाहगुरु जी दे कोल बैठी, तिस कंत ना बैसी बैठी पास जियो। अंबर कुंजा कुरलियां बग बहठे आए जियो, अंबर दर्थ सिर च हुण कुरल कुरल हुंदी पई बुढ़ेपा आ गया, ते कुंजां दा रंग चिट्टा हुंदा है, जिहड़े केस काले सन अज कुंजां दे खंभ वर्गे चिट्टे हो चुके आ। ओ उस दे नाम तो बिना कोई, आओ एक उदाहरण चलो सी इतिहास विच्चों भी लै लईए, होर सौखा हो जाए, पर यह शब्द थोड़ा जिहा पढ़ लईए कि हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नागी थां। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ, ਚਾਰ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੂੰ ਹੈ ਜੜਾਓ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ। ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੈ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਾਵੈ ਚਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਸਤੂਰ ਦਰਥ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਗੂ ਦਰਥ ਕੁੰਕਮ ਕੇਸਰ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ, ਚੋਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਵਾ ਦਰਅਸਲ ਊਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੰਢ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਚੋਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਊਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਧਨੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਗੀ ਥਾਂ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲੰਘ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁੱਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ ਕਰੈ ਰੰਗ ਪਸਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧ ਅਰਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਵਾਂ। ਸਿੱਧ ਖੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਖੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖ਼ਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਹੁ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਕਥਾ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ,
जो ये गुरमुख के अर्थ पढ़े उन्हें कमाल कर दिती। वह कहिंदे ने तुसीं इस शब्द विच चार वारी गुरु जी ने कहा मत देख भूला सुनियो। ये तीन अंदर खुआरी दियां अवस्था ने, भूला, दूजा विसरै, तीसरा चित ना आवै। फिर तुक चार वारी आई ना, मत देख भूला, फिर आउंदा विसरै, ते तीसरा है चित ना आवै नौ। वह गुरमुख कहिंदे ने भाई सज्जनों गुरु नानक साहब की इस गल नूं सुनो, जदों संसारक पदार्थ सुरत विच आ जाण सब तो पहला ढेंदी कला की निशानी है बंदे नूं गुरु का नेम भुलन लग पैंदा है। पहला भूला है, फिर विसरिया है, फिर चित ना आवै। पहला भूला नहीं जी, काम ही इन्ना सी, हुण जी नितनेम भुली जांदा जी, करिए की जी, रुझेवें ने। गुरु साहब कहिंदे ने तबाही का पहला कारण है कि बंदे नूं अपने गुरु का दिता हुआ नेम भुलन लग पैंदा है। फिर की हुंदा है? पहला भुलदा है, विसरै, फिर अगली खुआरी यह होंगी है चित चो निकल जाए, विसरै, भुल ही जाता है, होर विसर जाता है। वह अंदर आँदा नहीं, पहला पहला फुरना उठता है, मन अज नितनेम नहीं किया, बड़ी माड़ी गल है। फिर की हुंदा है? वह जिहड़ा माड़ी गल वाला भी विसर जाता है, ढीठ हो जाता है। सुनो, पहला भुलै, फिर विसरै, अगली की गल है? हुण बंदा चाहता चित विच आ जाए, तो मन इन्ना को मैल नाल भर चुका है, हुण चित ना आवे नौ नाम वाले पासे मन तुरदा ही कोई नहीं। फिर बेनती सुनियो, भूला है, भुल विचों विसरै है, विसर विचों फिर चित ना आवे ना, हुण चित विच आउंदा ही नहीं। फुरने में एक दिन बेनती की थी जी, रब तो विछड़िया का इलाज है, प्रेम तो विछड़िया का कोई इलाज नहीं। रब तो विछड़िया पर प्रेम तो है, जिस जरिए ने रब नाल जोड़ना वह कायम है। सच ए वे जिहदे अंदरों प्रेम ही सुक जाए उहदा कोई इलाज नहीं। वैसाख धीरन क्यों वांडियां जिन्ना, रब विछोड़ नहीं गया, जिस वसीले ने जोड़ना सी उत्तों विछोड़ा पै गया। वैसाख धीरन क्यों वांडियां जिन्ना प्रेम विछो। मैं अर्ज करांगा जी, ये विसरै। गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां दा अज भाई साहब गुरगद्दी दिवस सी, अज गुरमुख प्यारे भाई जसविंदर सिंह कह रहे सन बाबा जी दे विआह दी गल भी करियो। गुरु नानक साहब महाराज जी का विआह पुरब सुल्तानपुर तो जंज गई सी मेरे दातार जी दी, भाई मूले दे घर कंध साहब उस स्थान। मैं पिछले दिन उत्थे कथा ही करके आया, पिछले महीने आप सब ने किते ने, वह कंध भावें सिठणी दित्तियां होणगियां पर वह कंध सारे कहिंदे सन ना भुरदी है ना डिगदी है। तो मेरे मन च आया कंधे सिखां कोल दो ने, एक बटाले की कंध, एक फतेहगढ़ साहब की कंध है। उत्थे बैठिया मन च आया कि महाराज आए खून गया कर पटवारी का पुत्र है। चलो बड़े सोहने विआह के दृश्य पेश किए, हाथी घोड़ियां का जिक्र किया, महाराज जी के चलन का जिक्र। कई चलो कहते साधु चुल पै, धूनी रमान वाले तुर पै, पर मैं बेनती करा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का विआह है। एक मैं तुहानू उदाहरण सिर्फ देन लगा, महाराज जी दे नाना ते मामा जी बड़े खुश। अज विशा नहीं सी मेरा, मैं मुस्कुरा के भाई साहब तो अगे आ गया, मैं की गल्ला करी जांदे हो लड़ीवार। फिर मेरे मन च आया वाहगुरु यार शब्द का अर्थ दूजा नहीं समझना, भी यह जिन्हें वरद्यां सार कहा है तो गुरु नानक साहब नहीं प्रेरणा दित्ती होगी, लंघेगा मेरे विआह की गल करी। मैं उस ढंग नाल लिया और महाराज सच्चे पातशाह महाराज के जेडे नाना जी सन उन्हों का नाम सी बाबा रामा जी, तो मामे का नाम सी कृष्णा जी। बड़े खुश ने सारे, बेबे नानकी खुश है, भाइया जय राम खुश ने। मैं प्रसंग चो निकलिया प्लीज़ इस करके भी चलो महाराज जी का विआह पुरब शब्द से अजकल बहुत प्रचलित होया। तो भाई जय राम जी ने जी भाइया हूँ तो जीजू कहेंदे सारे उर्दू वाला गुरमुख वासी ना, तबाही हो गई रिश्ते दा, रिश्ते दी खिच मर गई। मासी कहिंदे सा मां चेते आउंदी सी, मामा कहिंदे सा ते मां दा दो वारी प्यार चेते आउंदा सी। मां मां कहो ते ता मामा बनदा, दो वारी मामा जुड़े मामा बनदा। अज अंकल खा गया सब नूं, ए अंटी शब्द खा गया, ये पता ही नहीं भूआ क्या कुछ रिश्ते की होर बनतर है, मासी क्या कुछ होर है, चाची क्या कुछ होर है, ताई क्या कुछ होर है। हुण
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਡੈਡ ਡੱਡੂ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਮੰਮੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਮ ਤੋਂ ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਦਰ ਅੰਮਾ ਮੰਮੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਮਮਤਾ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਦੂਜਾ ਭਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਂਝ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਬੀ ਬੇਬੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਧੀਏ ਬੀਬੀਏ ਬੇਬੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬੇਬ ਆਇਆ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਮੇ ਮਾਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਕਲ ਅੰਟੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਬੇਬੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਬੇਬੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਣ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ, ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗਈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗਈ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਿੱਤੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਅੱਜ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੀਰਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਮੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਤਿਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਚੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦਾ ਚੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੰਧ ਹੈ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ,
जिहड़ी चल रही है गल धनी विखोणा पाठ पटंबर भाही सेती जाले धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैं सह नाले। दो शब्द लै लिए, एक पासे हर तरह का सुख है, ये दूजे पासे अत दी गरीबी है। धूड़ी धूड़ी विच लुडंदड़ी समझो। गुरु अर्जुन देव महाराज खानपुर आया तरन सरन साहब के नेड़े। ये खिता तकरीबन काफ़ी हद विच सरवरियां दा पुजारी सी जी। महाराज शाम नूं बाहर बैठे आ, स्याले दिन सन, छिप गया जिन छेती बूंदाबांदी खून लग पई, मीह पैन लग पिया। भाई विधि चंद नाल ने कहिंदे ने महाराज आपां पिंड क्यों ना चल पईए। सतगुरु कहिंदे आ नहीं, इस पिंड दे लोक मजाक करके चले गए, किसी ने जी आया नहीं कहना। कहिंदे उन्नी देर नूं इक सज्जन आया, सिर ते लकड़ां दी गठ सी। मन च आया भी ये कौन रुख थले बैठे आ। ज्यों ज्यों नेड़े जाए हनेरा पसर रहा सी, नेड़े गया ते दर्शन किते। लकड़ां चुकण वाले दा नाम सी भाई हेमा। गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं वेख के लकड़ां सट के मत्था टेकिया। कहिंदा सच्चे पातशाह आप जी ने तरस किया। महाराज जी मुस्कुरा पए, कह लगा आप रुख थले बैठे हो, बारिश सियाल दी रात, तुसी एक कृपा करो, जो गरीबी दावे मेरे कोल कहे अपने मुबारक चरण पाओ। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे चल तेरे घर ही ते जान आया। मैं वो बेनती कर लगा, जदों घर चले गए, इत्थे विद्वान सज्जना ने दो शब्द कहे आ। टुट्टी जी झौंपड़ी सी जी, मीह पै ते तुपके पानी दे डिगन, जो बिस्तर सी महाराज ने दे दिता, ते नेत्र भर के कहिंदा महाराज तुसी आए, मैं सेवा नहीं कर सकिया, मेरे साख संबंधी बाकी सब तनाड ने, मैनू कोई गिला नहीं, मैं झौंपड़ी च रहिना। महाराज जी ने उत्ते शब्द की कहे, कहन लगे जिन्हां को रेशमी कपड़े ने, जिन्हां कोल अनेकां पदार्थ ने, हे मियां गंदगी दा कीड़ा गंदगी खा के गंदगी मर जांदा है। कौन कहिंदा तू गरीब है, तू सारी सृष्टि दा बादशाह है। तेरे कपड़े धूड़ी विच लुडंदड़ी, तेरे कपड़े मिट्टी नाल भी भरे होण, पर सच ए वे तेरे चरणां दी धूड़ जिहदे मत्थे ते लग जाए उहदे मत्थे दे लेख बदल जाणगे। तेरे सीने विच रब जी तां है ना। कोई सज्जन कहिंदे ने इत्थे पाठ उच्चारण कीता भली सुहावी, मैकालप ने लिखिया है, भाई संतोख सिंह ने भी लिखिया, भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, किती कामना धौल कर जित हर बिसराए। गुरमुख प्यारे भाई साहब लिखते आ कि महाराज का एक ता बचन, ये धनी विखोणा पाठ पटंबर, एक है सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। पाठ पटंबर सब कुछ, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुखमान दा किछ नाए वसूरे, सो प्रभ चेतना आवी बिष्टा के। सच्ची मुची जी, बिष्टा के कीड़े बिन हर नाम ना शांत हुए, कित बिद मन धीरे। भाई खेमे नूं सिख्या सच्ची मुची भरिया पिया मिट्टी ना। दास इसे करके बेनती करदा हुंदा है कि दरबार साहब दी परिक्रमा गुरु कर, जिथे भी जाओ किसे दे भांडिया ना लिबे कपड़े झाड़ू च, किसे भी सेवा करन वाले दी मजाक ना उड़ायो। याद रखियो वो साढ़े बार दे धर्म दे विखावे नालों बहुत अगे पहुँच चुके हुए आ, उन्हां दी धूड़ी देख के नहीं। महाराज शब्द वरदिया, बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा। कपड़े पाटे हुए झोंपड़ी टुट्टी, बस्ता टुट्टी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिना, मित्र ना इट तन रूप हीन किच साख ना सिन्ना। कोई भी नहीं, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिना, मित्र ना इट तन रूप हीन की साख ना सिन्ना। पर गुरु साहब कहिंदे राजा सगली सृष्टि का, हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूड़ धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा। जेड़े तेरी धूड़ विच लेटदे ने उन्हां दे जिस्म नाल लगी हुई धूड़ मिल जाए ते रब मिल जांदा है। महाराज कहिंदे राजा सगली सृष्टि का, हर नाम मन भिन्ना,
तिस की धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरते है जी धनी विखूणा पाठ पटंबर परमात्मा तो बिना जिन्हें तू रेशमी कपड़े पाई बैठा है वस्त्र पाई बैठा है धनी विखूणा पाठ पटंबर पाही पाही का अर्थ है अग अग नाल सड़ जाण अग नाल जलदे पए आए तनी विखूणा पाठ पटंबर पाही सेती जाले धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सै नाले। जिहड़ा तेरी सेवा करदा सिमरन करदा भावें वह धूड़ी विच भी लेटदा होवे उहदे वास्ते कोई अर्थ नहीं रेशमी कपड़ियां दी। सच ए वे उहदे नाल लगी कोई धूड़ भी पवित्र हो जाती वह किसी नूं पवित्र करदी। समाप्ति ते दो श्लोक सिर्फ कह के गुरु भगत साहिब दे शब्द ने वह श्लोक है कबीर है गए बाहन सगन घन पाठ पटंबर। एक बादशाह दी घर वाली उहदे कल हाथी ने घोड़े ने रथ है कबीर है गए बाहन सगन घन छत्रपति की नार। सुनियो छत्रपति दा अर्थ जिहदे सिर ते छत्र झुलदा छत्रपति दी राणी होवे उहदे घर अगे हाथी घोड़े रथां ऊठां दी असवारी दी कोई कमी ना होवे। महाराज फिर अगे बचन की करदे आ छत्रपति किनार तांस पटंतर ना पुजै हर जन की पनहार। उस दे पैरल बराबर एक ओ इस्त्री ओ बीबी ओ धी भैण जिहड़ी संगत विच पानी ढोण दा काम करदी है। पहला पानी ढोंदे सन जी अपने पानी ढोण दा काम करदी कपड़े ओ दे ओ दे वरगे नहीं सच्ची मुची ओ एक कपड़े नाल कई कई दिन एक एक वस्त्र नाल कढ़ी जा रही है। राणी तां दिन विच कई बदलदी है। महाराज तुसीं इह तुलना क्यों दित्ती तास पटंतर ना पुजै हर की हर जन की पनहार। संगत विच पानी ढोण वाली दा मुकाबला एक रेशमी कपड़िया वाली नहीं कर सकती। क्यों कहन लगे दा कारण इह वे कि रेशमी कपड़े उह पांदी है उहदे हर कपड़े च गंदी वाशना है। जिहड़े दस दस दिन कपड़े पा के पानी ढोंदी उहदे कपड़िया विचों रब दी सुगंधी है। बस आ है तास पटंतर ना पुजै हर जन की पनहार। अगे है कबीर नृप नारी क्यों निंदियै हर चेरी क्यों मान धनी विखूणा पाठ पटंबर धूड़ी विच लुडंदड़ी दोनों कट्ठे आ गए। नृप नारी क्यों निंदियै हर चेरी क्यों मान ओ मांग सवार है बिखै को ओ सिमरै हर नाम। ओ जिन्ने वस्त्र पाती है वाशना लई ओ सिमरन लई साडे घर च बेअंत अज भी ने जी बीज नाश नहीं होया क्योंकि जो कुछ साड़ियाँ अखा इनक ला के जांदियां ने सानू वह कुछ मिलना। जे पहले मैं मूड बना लिया ना भी दरबार साहब तो लुटेरे बैठे है सारे ठागा चेते रखो टक्करना भी पहला वो सी किसी ने कलर कोई टक्कर जाऊगा। जे कितने भावना बना के जाओगे तेरी परिक्रमा विच ब्रह्म ज्ञानी ने गुरमुख ने हो सकता है भांडिया विच खलोते योजा मिल जाए तुहाडे अंदर नू ठंड पै जाए। जैसी मनसा तैसी दसा जो फुरनी है बना के गए भी ये मिलना है। जिन्हों नाम से नाम भी सुख से भाई मुनशा सिंह कि विसर सकता है जी। दरबार साहब के कीर्तनीए मिट्टी के भांडे मिट्टी का घर तो शेरे पंजाब सोने दिया अशरफिया थैलियां भर के लग्या कहें घरों वापस मोड़ दिता। कह लगे मैं मंगत्या तो मंगता नहीं हुंदा। उन्हें कहा तेरे मिट्टी का तवा मिट्टी के तवे अज भी मिलते हैं मिट्टी का तवा मिट्टी के भांडे तू कीर्तनिया। कह लगे ये मिट्टी के तव्या गुरु रामदास दी आवाज़ आउंदियां ये मेरी जिंद जान है। मैं सिर्फ एक बेनती कर लगा ये दो असी भाव ले आ जे बंदगी करन वाला मिट्टी विच भी लिबड़िया है ना वो चोखे धर्म के चिन्ह पा के लिशकन पुशकन वाले नो बड़ा चंगा जे जे सिमरन ही कोई नहीं था। दूजी गल जिहड़ा पदार्थां विच खचता है उहदे नालों दिहाड़ी करके रोटी खाण वाला बंदगी करन वाला सचमुचों बहुत उच्चा है। इन्नियां कु बेनतियां स्वीकार करियो कल नूं अगले श्लोक दी विचार आपां करांगे क्योंकि अज कथा भी तीन हो गई ने तीसरी कथा सी जी ते थोड़ा जिहा शरीर भी हुण तंग करदा है। संगत कृपा करे मन दी तां इह इच्छा सतगुरु अंतले सवास तक कथा ना छडाई मेर करी आओ करो कृपा जी। आप बड़ा टाइम कढ के आउंदे हो गुरमुखो तुहाडा